Hello student, today I am going to teach you civics of class 9. Our topic is UNO. I will discuss some points. UNO, after Second World War, the President Roosevelt of USA and Prime Minister of England Woodrow Wilson have contributed the most to the establishment in 24 October 1945. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति एंड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का यूनाइटेड नेशन के एस्टेब्लिश में सबसे अधिक योगदान रहा है. एंड नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन वॉज नेम्ड बाय रूजवेल्ट. यूनाइटेड नेशन का जो नामकरण किए थे वो रूजवेल्ट थे. एंड यूएनओ जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 24 अक्टूबर. Why? Because 24 October 1945 established in United Nations. So 24 October celebrated of UNO Day. At the present time, at the time of founding, जिस समय स्थापना हो रही थी उसमें अभी 51 country थे. Present time में 193 country है. 193 country जो है उनका नाम है साउथ सूडान, सबसे न्यू कंट्री जो इसमें शामिल हुए थे. एंड यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यू वर्ल्ड यूएसए. एंड सिक्स लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन द यूएनओ, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, चाइनीज, अरबिक एंड स्पेनिश. बट वर्किंग लैंग्वेज, देयर आर टू वर्किंग लैंग्वेज, इंग्लिश एंड फ्रेंच. नेक्स्ट, मेजर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, देर आर सिक्स मेजर ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. फर्स्ट जनरल असेंबली, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल, नेक्स्ट थर्ड द सेक्रेटेरिएट, एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, एंड फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट, एंड सिक्स में ट्रस्ट काउंसिल. सो आई विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट जनरल असेंबली. जनरल असेंबली को हम लोग बोलते हैं आम सभा. वर्ल्ड्स अ स्मॉल पार्लियामेंट, इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है. इट होल्ड ए मीटिंग इन सेप्टेम्बर एवरी ईयर. इनकी जो बैठक होती है एवरी ईयर सेप्टेम्बर में होती है. एंड मेजर फंक्शन जो इनका काम है सबसे महत्वपूर्ण, बजट रेडी फॉर द वर्ल्ड, वह विश्व के लिए बजट तैयार करती है. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को जो हेड होते हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट करते हैं. एंड नेक्स्ट, मेंबर ऑफ न्यू कंट्री, वो नई देशों की सदस्यता भी प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी काउंसिल, इसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है. एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज कॉल्ड पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, इसे दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है. देयर आर 15 मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल, 5 मेंबर्स परमानेंट एंड 10 टेम्पोररी मेंबर्स. 10 टेम्पोररी मेंबर्स ओनली 2 ईयर्स के लिए इनके टेनर्स होते हैं, 2 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है. इंडिया अब तक 7-8 बन चुके हैं. फर्स्ट 1951 टू 52 और लास्ट जो 7-8 बने थे 2012 टू 13. बट लेटेस्ट 2021 टू 22 15 कंट्री एग्रीमेंट किए हुए हैं भारत के लिए. तो भारत नेक्स्ट में जो टेम्पररी मेंबर्स के रूप में 2021 टू 22 में बनेंगे. एंड नेक्स्ट द सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट इसे सचिवालय बोलते हैं. एंड यूनाइटेड नेशन का एक मेन पार्ट है सेक्रेटेरिएट. जो सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं उसे महासचिव बोला जाता है, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुतरेस हैं पुर्तगाल. जनवरी 2017 में इन्होंने अपॉइंटमेंट हुए थे. फर्स्ट त्रिबेली नॉर्वे के थे, 1946 में अपॉइंटमेंट किए गए थे. एंटोनियो पहले बान की मून साउथ कोरिया के थे, जिनका अटेंडेंस 2007 टू 17 ईयर तक. नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जजे होते हैं एंड इनका जो टेनर्स होते हैं 9 ईयर के लिए होते हैं. एंड हेडक्वार्टर, इनका जो हेडक्वार्टर है वह आपको दी हेग नीदरलैंड का एक टाउन है, नीदरलैंड में इसका पड़ता है हेडक्वार्टर. प्रेजेंट टाइम में अभी भारत का दलबीर सिंह इंटरनेशनल कोर्ट में
जज के रूप में अपॉइंटमेंट किए गए हैं और दलबीर सिंह को लगाकर 3 अपॉइंटमेंट किए जा चुके हैं। फर्स्ट नागेंद्र सिंह एंड सेकेंड आर एस पाठक इन इंटरनेशनल काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट में अपॉइंटमेंट किए जा चुके हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल देर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर 54 कंट्री मेंबर्स इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल्स एंड 3 ईयर टेनर्स। इनकी 1 ईयर में 2 ईयर्स बैठक होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क एंड जुलाई में जिनेवा। सो इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल में आर्थिक और सामाजिक परिषद में पूरे विश्व के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए कंट्री जो होते हैं उनको देख रेख कहा जाता है कि आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल करते हैं। इसी के बहुत सारे पार्ट है, UNDP, यूनिसेफ, यूनिस्को, ऐसा कहा जाता है कि आपको पूरे विश्व के जो पुअर कंट्री होते हैं उनको मदद करने के लिए एक परिषद कार्य करते हैं। एंड नेक्स्ट ट्रस्ट काउंसिल। ट्रस्ट काउंसिल न्यास परिषद, इसमें 12 कंट्री मेंबरशिप बजट टाइम में है एंड इनका जो मेन फंक्शन है पुअर जो कंट्री होती है जो पुअर कंट्री उनका मदद करते हैं। सो यूनाइटेड नेशन का जो मेन पार्ट है इस तरह से है, जिसमें से सिक्योरिटी काउंसिल में एक मेन पार्ट आता है बिट्टो पावर या बिट्टो कंट्री। 5 परमानेंट कंट्री इस पर बिट्टो कंट्री कहा जाता है, क्योंकि जब कोई बिल पर चर्चा की जाती है तो 5 कंट्री का एग्रीमेंट होना बहुत कंपलसरी है। और सपोज यदि वो 5 कंट्री में कोई भी कंट्री किसी भी बजट या किसी भी बिल पर वो वोट नहीं करती है तो उसे बिट्टो पावर माना जाता है। अब प्रेजेंट टाइम अभी तक 5 कंट्री में 3 कंट्री बिट्टो पावर का यूज़ किया है, जिसमें रसिया, चाइना एंड USA, और ओनली 2 कंट्री बिट्टो पावर का यूज़ नहीं किया है, वो इंग्लैंड एंड फ्रांस। सो थैंक यू वेरी मच।